नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आयुर्वेद से आयुर्वेद जा रही हूँ ये ना, ये वैलेंटाइन डे का वो है। नमस्कार, चलिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद से आयुर्वृद्धि में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो और जीवन की हर तकलीफ आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस कार्यक्रम में जहाँ हम बात करते हैं आपकी बीमारियों के बारे में और आयुर्वेद से कैसे आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। पैरालिसिस यानी कि लकवा के बारे में। ये बीमारी जिस भी व्यक्ति को होती है, सबसे बड़ी मजबूरी उसकी ये हो जाती है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। मुझे लगता है जीवन का ये एक बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी विडंबना होती है उस व्यक्ति के लिए कि वो बिल्कुल लाचार है, वो कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और दूसरे पर मजबूर है। वो उस व्यक्ति के अंदर क्या कुछ चलता होगा, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। लेकिन क्या आयुर्वेद के माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेद रत्न स्वामी ब्रह्मांडपुरी जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। पैरालिसिस के बारे में आज मैं जानना चाहूँगी जी, जिसे हम हिंदी में लकवा भी कहते हैं, फालिस भी कहते हैं। ये बीमारी हर कोई जानता होगा कि इस बीमारी में क्या होता है। जहाँ भी पैरालिसिस होता है वो अंग काम करना बंद कर देता है व्यक्ति का। और यही देखा गया है, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि व्यक्ति बिल्कुल बेड पर आ जाता है या व्हीलचेयर पे आ जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि अपने दैनिक कार्य नित्य कर्म भी वो नहीं कर पाता है और वो उन सब चीज़ों के लिए दूसरे पर आश्रित हो जाता है। अगर हम इस चीज़ को महाराज जी ऐसे देखें कि ये हमारी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो कई बार सिर्फ मैं तक सीमित होती हैं, वो भी हम दूसरों से करवाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या मनोस्थिति होती होगी उस पेशेंट की, उस व्यक्ति की। और फिर जब तमाम तरीके की दवाइयां लेने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं ठीक हो पाता है तो उसकी हालत कितनी बुरी होती जा रही है। आयुर्वेद की हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में। क्या आयुर्वेद में इस बीमारी का इलाज है, ये मेरा प्रश्न है। लेकिन उससे पहले जो मेरा प्रश्न है वो ये कि क्या ऐसे कारण हैं जो इतनी घातक बीमारी हमारे शरीर के अंदर घर कर जाती है, क्या रीजंस हैं? देखिए, जब ये पैरालिसिस होता है तो आपने सही कहा है कि उसकी काफ़ी चीज़ें, यानी टोटल बेसिक नीड्स जो हैं, उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, जो मर्यादित दायरे के अंदर सारी क्रियाएं, वो दूसरे पे डिपेंड हो जाती हैं। लेकिन जहाँ तक अगर हम परमार्थ की बात करते हैं तो विषम परिस्थितियों में उन चीज़ों का कोई महत्व है नहीं, सेवा सिर्फ रह जाती है। जैसे किसी की डिलीवरीज है तो जेंट्स डॉक्टर भी डिलीवरी करता है, कोई पेशेंट है तो वहाँ पर एक जीवात्मा परमात्मा सेवक और स्वामी की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि जहाँ आज आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे पे निर्भर हो जाऊँगा, लेकिन मैं सीधा सीधा दोषारोपण व्यक्ति पे करूँगा क्योंकि वो जानबूझकर बीमारी को लेना चाहता है। कैसे? जैसे मैं अब आपको बताऊँगा, आज की हमारा युवा जनरेटर है, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियाँ, एक तो इनको रोटी खाती है, रोटी नहीं खाती, मतलब ये डाइटिंग करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं स्मार्ट दिखूं। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है जी, हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है। फीमेल अगर है तो उसके पीरियड आफ्टर भी वर्स होने लगते हैं, वाइट डिस्चार्ज यानी लिक्वेरिया सिम्टम्स हो जाते हैं। इसके बाद उसको मेंटली डिप्रेस होना है, इमोशनली टॉर्चर होना है, फिजिकली हैरेसमेंट, बहुत सारी चीज़ें जीवन में जुड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में उसको सबसे पहले तो उसको बैठना ज़्यादा है, ड्राइव ज़्यादा करनी है, डिप्रेस, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो खान पान तो खाया नहीं उन्होंने, अब खा के आ रहे भाई, जिस सुबह निकल लिया मूड में आया जूस पिया, नहीं तो अभी कॉफ़ी पी लिया आपने, चाय पी, बाहर निकल लिया आपने, जो भी खाया ज़्यादा से ज़्यादा ओड़े खा लिए, पाव खा लिए, जेम्स खा लिए, चाउमीन खा लिए, सब बीमारी के घर हैं। तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया। स्पॉन्डिलाइसिस जैसी, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारियाँ तो 45 के बाद लगनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 25 में ही लग जा रही। तो इससे भी लकवा होता है, यह मैं आपको बता दें। अच्छा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से भी पैरालिसिस होता है। हमारे ब्रेन में 150 बीटा सेल्स है, 6 सीक्वेंस है, मेंदू है, यहाँ पर इस पोर्शन में हमारे ब्रेन तक जितनी भी बेन गई हैं, नसें गई हैं, वो कहाँ से गई हैं, ये मेढ़ुरज्जा से लिपटती हुई ऊपर आई। तो जब हमारे स्पाइन कोड में गैप होता है ऐसा, तो वेन
ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट ब्रेक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेट रुकते ही हाथ पैर में सूनापन आना चालू हो गया जी। और ऐसी स्थिति में बाय द वे पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हो गया, जरूरत से ज़्यादा बुखार चढ़ गया, जरूरत से ज़्यादा डिप्रेशन हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, बीपी अप हो गया या फिर डाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसे पैरालिसिस से कोई बचा नहीं सकता जी। अब उसको बचना कैसे? एक तो उसे गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। अच्छा, आजकल सोफा सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया, प्राकृतिक व्यवस्था से हम दूर हो रहे हैं। या तो एयर टाइट हो या तो फिर लकड़ी के तकट टाइप के कुछ ऐसी चीज हो। सिर के नीचे तकिया नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, अगर वो L4 L5 में है तो कमर में बेल्ट यूज करना चाहिए। खैर, वो एक्सरे के बाद ही क्लियर होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहाँ है, क्योंकि अब उसका इलाज एलोपैथ में है नहीं। स्पॉन्डिलाइसिस का इलाज एलोपैथ में तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देंगे? वो अट्रैक्शन करेंगे, वेट अट्रैक्शन देंगे। अच्छा, वेट अट्रैक्शन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देंगे? वो कैल्शियम देंगे, आयरन देंगे, पेन किलर देंगे या हार्मोन्स बैलेंस करने की दवा देंगे। ये तीन दवाइयाँ हो गई उनकी, या फिर लास्ट में ब्लड को पतला करने की दवा। अच्छा, एलोपैथ में कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मतलब घूमते रहते हैं वहाँ पर, शून्य से शून्य तक। समझिए ना, तो जीवम जीवाश्म जायन्ते, ऐसा आयुर्वेद का एक चैप्टर है कि जैसे प्रकृति में वनस्पति आते हैं, वनस्पति आई, वनस्पति को बकरी ने खाया, बकरी ने त्याग दिया, उसके गोबर से निकला, फिर वही वनस्पति पैदा हो गया। तो फिर वो बार बार बकरी आती रहती है, बार बार वनस्पति आता रहता है। अच्छा, तो जीव जीवाश्म जायन्ते, ऐसे आप उसी में उलझे रह जाएंगे, शून्य से शून्य तक। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को ठीक करने की अगर क्षमता है तो सिर्फ आयुर्वेद में। अच्छा, तो हमें हमारे बच्चों में वो जो नेचुरल चीज़ें हम दे पाए कहाँ पा रहे हैं? अभी हमारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिशियल स्टाफ है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, या हमारे कॉल सेंटर में जो बच्चे हैं, या मेरे डिग्री कॉलेज में जो लड़के हैं, मेरे यहाँ भी बहुत बड़ा स्टाफ है, तो मुझे अक्सर देखना पड़ता है। अभी 4-5 दिन पहले एक लड़की आपके यहाँ से भावना करके आई, वो डॉक्टर डेंटलिस्ट है, और जब उससे मैंने पूछा बेटा तुम क्या? बोले डेंटलिस्ट हूँ मैं। बोले तेरी हड्डी तो कट कट बज रही। बोले मैं दांत की डॉक्टर हूँ, हड्डियों की नहीं। क्योंकि आप नेचुरलिटी को भूलकर सिर्फ आप सुंदर दिखाई पड़े, लोग आपको देखकर आकर्षित हो, तो नो डाउट लोग तो बाद में आएंगे, लेकिन रोग पहले आ जाता है, रोग पहले आकर्षित हो जाता है, जल्दी अट्रैक्ट होता है, चुंबक हो ऐसा है। तो इसलिए बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। क्योंकि मतलब आप बार बार मुझे एक ही बात समझ में आ रही है हर एपिसोड में, वो ये है महाराज जी कि हमारा जो रहन सहन है और हमारे जो खाने पीने का तरीका है वो ऐसा है जिसकी वजह से हम खुद ही बीमारियों को अपनी तरफ बुला लेते हैं। और जो आपने कहा कि लोग बाद में आकर्षित होते हैं, बीमारियां पहले आकर्षित हो जाती हैं, और हम बीमारियां हमें ग्रसित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। श्रद्धा जी, हम आपको एक छोटी सी बात कहेंगे, हमारा तो चैप्टर पैरालिसिस का चल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, जीवन में हम ज़्यादा मीठा क्यों बोलते हैं? लोग मुझे कहें बहुत अच्छी बात करते हैं, हम ज़्यादा अच्छे कपड़े करते हैं कि लोग प्रभावित हो, लेकिन जब भी मेरा ये डीप अनुभव है कि जब भी हम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे उस समय हम प्रभावित हो जाएंगे। सोशली आज एक जनरल लाइफ में अगर हम दूसरे को प्रभावित करना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए गिफ्ट भी ले जाना है, ढेर सारी चीज़ें आपको उसके लिए करनी है। वो आपसे प्रभावित कब होगा ये वो ईश्वर जाने, लेकिन आज आप प्रभावित हो गए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल के लिए पंडित आपने गिफ्ट में लगा दिया, आप प्रभावित हो गए जी। आपने आईब्रे करा लिया, थ्रेडिंग कर लिया, मसाज करा लिया, सामने वाला बाद में प्रभावित होगा, लेकिन स्क्रीन एलर्जी के लिए आपने दावत दे दिया, वो तो आप प्रभावित हो गए ना। इसलिए प्रकृति में सिर्फ परमात्मा को प्रभावित करने की कोशिश की जाए। पैरालिसिस के ढेर सारे रीजन है, एक रीजन आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस मैंने बताया, दूसरा रीजन श्रद्धा जी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम बाय द वे बचपन में जा रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारे छोटे बच्चे खेलते खेलते नीचे गिर जाते हैं, सिर में चोट लग जाती है, तो ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, वो ब्लड सर्कुलेट को कंटिन्यू में रोक देता है। एक टाइम आने के बाद तो भी आपको पैरालिसिस हो जाएगा, या ब्रेन में ट्यूमर उसी से होता है तो भी आपको लकवा हो जाएगा, आपकी डायबिटीज जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो भी आपको लकवा हो जाएगा, बीपी आपकी कम हो गई या बहुत हाई हो गई तो भी हो जाएगा। और इसी लकवा का आखिरी स्वरूप है, मतलब ज़्यादा मेजर स्वरूप कहें तो हम उसे कोमा कह सकते हैं।
कोमा कह सकते हैं। अच्छा, हम क्या ये मान सकते हैं कि इसका हमारी नसों से कोई कनेक्शन होता है? पूरा पूरा टोटल नसों पे डिपेंड है, पूरी बॉडी जनरेट ही हमारी नसों पे है। मतलब जो व्यक्ति है उसकी महसूस करने की, और जिस व्यक्ति को पैरालिसिस है उस जहाँ भी पैरालिसिस है, मान लीजिए हाथ में है, तो यदि उसके हाथ को हम छुएंगे तो उसे कोई एहसास नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ को कोई छू रहा है। देखिए, वैदिक अवस्था है और आयुर्वेद में या मेडिकल में भी जाते हैं तो दो अवस्थाओं का वर्णन होता है, एक जागृत एक सुप्त। तो पैरालिसिस का मतलब है कि यहाँ से नीचे पूर्ण रूप से सुप्त हो जाना, अगर आपके हाथ में और पैर में, क्योंकि ये जेनरेटिक है, एक ही बार नहीं आएंगे वो, कम से कम तीन बार होता है। माइनर होगा, फिर माइनर होगा, फिर मेजर होगा, फिर मेजर होगा, ऐसा कुछ है। तो जैसे मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड में हुआ है, अक्सर आप देखेंगे कि पैरालिसिस पूरी बॉडी पे नहीं होता कभी, या तो लेफ्ट में होगा या फिर राइट साइड में होगा, या फिर कई बार देखेंगे सिर्फ मुंह पे होगा, कई लोगों के सिर्फ आई साइड पे होता है, उसके ढेर सारे रीजन है। तो जैसे इस पार्ट में गया तो इसका मूल मतलब है कि ये जो हमारी नसें हैं इनको ये सीज कर देते हैं। आप इसमें पकड़ेंगे काटेंगे तो आपको कोई एहसास नहीं होगा, यह है सुप्त अवस्था। इन नसों में ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यू बंद हो जाए। अब इसका एक निदान है फिजियोथेरेपी, लेकिन फिजियो में डिपेंड करता है कि जानकार कितना है वो। जी बिल्कुल। पैरालिसिस क्या, हाथ का मान लीजिए, मैं आपको हाथ पे बताऊंगा, ये मान लीजिए मेरा हाथ डेड हो गया है और हमारा फिजियो कर रहा है, पैसे तो ले रहा है उसको, उसने हमारे इस हाथ को ये मोमेंट में मोमेंट करना चाहिए ना ऐसा, लेकिन अगर उसने इन हाथों को ऐसा क्रॉस कर दिया तो ये ऐसी साइड में चला जाएगा। मतलब जो हमारी फिजियोथेरेपी कर रहा है उसको कितनी जानकारी, जानकारी डिपेंड है उस चीज़ के बारे में, या फिर इन प्रक्रियाओं के लिए अभ्यंगम है, सिरोधारा है, पंचकर्म की क्रियाएँ हैं, तो जो लोग करने लायक उनको ही जाना चाहिए। बाकी हर कोई तो मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ, मैं करता हूँ, आजकल तो खैर बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, नीम हकीम खतरे जान कहेंगे उनको। जी अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद की जब हम बात कर रहे हैं, क्या निदान है आयुर्वेद के माध्यम से, क्या पैरालिसिस का जो पेशेंट है जिसको लकवा मार गया है, क्या वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, वो भी पूर्ण रूप से, क्या आयुर्वेद में इसका निदान है? 100% ठीक हो सकता है, और हमने तो ऐसे ऐसी व्यवस्थाएँ की, बल्कि व्यवस्था भी अगर ईश्वर साथ देगा मेरा तो हर जगह निःशुल्क पैरालिसिस सेंटर, मसाज सेंटर और क्योरेबल सेंटर खोलने का मूड है मेरा, और जिसमें हम काफ़ी बच्चों को और बच्चों को तैयार भी करेंगे, क्योंकि कई जगह एक दायरा हो जाता है, मर्यादा भी है, एक फीमेल पेशेंट और एक मेल है। हाँ, तो ठीक है, अब मैं ये कपड़े उतार के अगर पैंट शर्ट पहन के डॉक्टर लिख दूँ कि भाई आयुर्वेदाचार्य हूँ मैं, ये मेरी डिग्री है, तो सब कुछ संभव है, लेकिन थोड़ा इस स्वरूप में आने के बाद में एक वो क्या बोलते हैं जामवंत जैसी व्यवस्था है, वर्किंग कोई और करेंगे, तो उसमें जैसे शरीर संरचना विज्ञान पार्ट वन पार्ट टू, ये शरीर संरचनाओं के बारे में उन बच्चों को बताना कि भाई ये पॉइंट है, यहाँ से ये पुश करेंगे तो ये होगा, इसकी ये प्रक्रियाएँ हैं। जैसे उसमें दो चीज़ें बहुत देखने की होती हैं जो डॉक्टर्स नहीं देख पाते हैं। आज आप सरदा जी मुझे सुनिएगा, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, एक पुराने समय की बात थी कि भाई देखे कि कौन डॉक्टर ब्रह्मांडपुरी, हाँ उनकी इतनी कीर्ति रहती कि बस ठीक है वहाँ ले चलिए आप, आँख बंद करके ब्लाइंड होकर लोग आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग बोलते हैं पहले हम सारे रिपोर्ट्स निकाल लें, देख लेंगे, फिर निर्णय करेंगे कि कहाँ जाना है। श्योरिटी रीजन क्या है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को नहीं देखते जो हमें प्राथमिक स्तर पर देखना चाहिए। पहली बात तो अब तो खैर ऐसा होने लगा कि 20 साल के लड़के को भी पैरालिसिस हो जा रहा है, नहीं तो आफ्टर 45 ही होता है, क्योंकि आफ्टर 45 क्या है, हमारा ब्लड जो है डार्क हो जाता है, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन, बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आफ्टर 45 है तो हमें बहुत कुछ देखना है। अब इससे बचने के लिए जैसे मान लीजिए पेशेंट को सबसे पहली चीज़ आवश्यक है श्रद्धा जी, एक्सरसाइज, शरीर को मोमेंट में रखना, या वो चार अंजीर है ना, चार अंजीर, अंजीर फल है, दूध में भिगा के रखे हों और उसको खाएं। अच्छा, शरीर में उनको आयरन, सल्फर, जैसे एक ड्रिंकर कब होता है जब सल्फर की कमी होती है, इस तरीके की चीजें सेवन करो, उसके आसपास के लोगों को उनके शरीर का वजन ना बढ़ने दे। अच्छा, ये सारी चीज़ें उनके लिए क्योरेबल है, उनको खाने पीने में रोटी दें, हरी सब्जियां दें, मतलब उनका वजन बढ़े
उनका डाइजेशन खराब हो ऐसी कोई चीज़ ना दें। साथ में आयुर्वेद में 110% हम उसको खड़ा करते हैं, और अगर किसी को ऐसा लगता है तो अक्सर अब तो क्या 4-5 सालों से ऐसी कुछ व्यवस्था हो गई श्रद्धा जी कि मतलब मेरा तो खुद का ही भरोसा नहीं है भोजन कहाँगा, क्योंकि आज के युग में जिस तरीके से लोग पैसे लेकर काम करते हैं, लेकिन मैं पैसे लेकर काम नहीं करता, कभी प्राणी मात्र में परमात्मा को देखकर काम करता हूँ, तो मैं व्यस्त ज़्यादा रहता हूँ। ऐसी स्थिति में अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ही तकलीफ है तो मुझसे मिले, बिल्कुल, उसके पास पैसे नहीं तो भी मिले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मान लीजिए ऐसी कोई व्यक्ति है कि भाई उसको ऐसा एक लोगों की सोच है कि भाई स्वामी जी का इतना बड़ा कारोबार होगा, ये होगा वो होगा, और मैं वहाँ ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ तो जेब में पैसे होने चाहिए। नहीं, कोई गरज नहीं, आपके पास नहीं है ना तो भी आप आओ, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम 15 दिन आपको मेरे यहाँ रहना है, 15 दिन आपका खाना पीना दाल रोटी कुछ कोई चार्ज नहीं, लेकिन 15 दिन के बाद आपको जो रिजल्ट मिल जाए उसके बाद आपको मैं मेडिसिन लिख दूंगा, आप ले आना बना के दे दूंगा। मतलब क्योंकि कई बार यही होता है जो आपने अभी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खर्चे से डरते हैं, स्पेशली जब गरीब इंसान की बात करें जिसके लिए 2 जून का खाना जुटा पाना बहुत मुश्किल है, उस व्यक्ति के लिए अगर उसको ऐसी घातक बीमारी लग जाए इलाज के नाम से ही वो कांप जाता है और उसको लगता है कि मेरा इलाज तो अब संभव ही नहीं है। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं और होते होंगे कि वो इस दुनिया में रह ही नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते हैं, वो चल बसते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो ये जो डर है जो आपके मन में बैठा हुआ है, एक तो इस डर को निकालिए, बिल्कुल इलाज संभव है, पैरालिसिस जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है आयुर्वेद में, आप बिल्कुल इलाज करवा सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, किसी पर भी निर्भर होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आत्मनिर्भर आप अब बन सकते हैं एक बार फिर से। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। परहेज़ किस किस चीज़ का रखना है मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाहूँगी, एक तो आपने बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे डाइजेशन उनका खराब हो, जैसे वही बैगन नहीं खाना है उनको, अच्छा, चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, अरहर नहीं खाना चाहिए, चने की दाल नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, और डिप्रेशन, क्योंकि जेनेटिक है, जैसे आपको माइग्रेन है मान लीजिए, तो माइग्रेन को भी आप नॉर्मल मत समझिएगा, माइग्रेन ज़्यादा होगा तो भी आपके माउथ पे आ जाएंगे पैरालिसिस, डिप्रेशन में जोर से चिल्ला रहे हैं, तो बिल्कुल शांत स्वस्थ सत्विचारी और सात्विक जीवन को चलाना चाहिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं गरीब हूँ, तो मैं थोड़ा अलग से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा कि भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर हम निष्काम सेवा लेकर बैठ रहे हैं तो गरीब 1 रुपया रखता है ना, तो उसे 1 रुपये से 1 करोड़ जाना चाहिए। अगर हम परमार्थ के लिए बैठे हैं और हम ये निर्णय ले लेंगे कि भाई 50,000 वाले की ही सेवा करेंगे तो साधुता और परमार्थ की बात नहीं है जी। तो और अगर हम ये निर्णय ले लेते हैं कि हम परमात्मा को देखेंगे कहाँ, विश्व रूपी परमात्मा मानव और मानवता के अंदर, नो डाउट जो गरीब है वो भले ही कितना भी गरीब है लेकिन आश्रम पे आएंगे जो उसको लाभ मिलता है तो उसकी दिल की जो दुआ है वो 1,000 करोड़ रुपये से हमारे लिए ज़्यादा है, इसलिए हम ये कार्य करते हैं। बिल्कुल, मतलब पूरा जो बातों का सार ये था जो मैं जानना चाह रही थी, जो मुझे लग रहा था कि पैरालिसिस जैसी बीमारी हम लोग यही सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी करवा लें, फिर कई दिनों बाद ये लगता है कि अरे फिजियोथेरेपी भी कोई काम नहीं कर रही, पेशेंट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ज्यों की त्यों है, दवाइयाँ वो खा रहे हैं उससे भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि दवाइयों के साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि उनके दवाइयों की गर्मी से उनके दाने हो गए हैं, गर्मी बहुत हो गई है उनके शरीर में, बहुत परेशान है, इचिंग हो रही है, ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं और दिक्कतें हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपने बहुत सी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी है और आपने उनकी दवाइयां भी बताई हैं, तो क्या पैरालिसिस के लिए भी कोई दवाई है जिसका हम सेवन कर सकते हैं? जी, तो मतलब पैरालिसिस के लिए पैरालिसिस में देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा श्रद्धा जी कि किसी भी बीमारी के 2 प्रकार के दर्द होती हैं। कुछ बीमारियों को हम इंटरनल मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं हमें एक्सटर्नल मेडिसिन देनी होती है। जो फिजियो है, फिजियो से हम पुशअप करके ब्लड सर्कुलेट करके इंटरनल नहीं कुछ कर सकते, एक्सटर्नल कर सकते हैं। ठीक है, आपने फिजियो कर दिया, फिजियो करने के बाद ब्लड सर्कुलेट हो गया, लेकिन इंटरनल जो उसको एनर्जी चाहिए, ब्लड प्यूरिफाई करने के सिस्टम है, किडनी के रोल है, हार्ट के रोल है, ब्रेन लार्वा कैसे बनता है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जब हम उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी बीमारियाँ दूर जाती हैं। और आयुर्वेद की एक सबसे बड़ी बात है
कि आयुर्वेद को ज़्यादा समय तक दवा लेनी होती है। मतलब वो क्या कहते हैं कि आईना देखा और सूरत बदल गई, समझ रहा मेरी बात को, कि आईना देखा और सूरत बदल गई है ना, और किसी को देखने जाना था कहीं और मंदिर में देखा तो मुहूर्त बदल गई, ऐसी बात आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद में तो पेशेंस की ज़रूरत है और धैर्य की ज़रूरत है। हर बीमारी का इलाज है, यहाँ कोई चीज़ असंभव नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन जो अभी महाराज जी ने बात कही बहुत सही बात कही कि थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास आप ज़रूर अपने अंदर रखें कि आप ठीक हो जाएंगे, ज़रूर आप ठीक होंगे। और हम अगर खर्चे की भी बात करते हैं, एलोपैथी का इलाज जब करवाते हैं तो लाखों के खर्चे हो जाते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट ठीक हो जाए महाराज जी, तब भी इंसान को लगता है चलो कोई बात नहीं, पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन व्यक्ति की जो बीमारी है वो चलेगी, इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन जब वो बीमारी भी नहीं जाती तो और दुख होता है कि भाई पैसा तो गया गया लेकिन बीमारी भी नहीं गई, तो यहाँ पर एक जो निराशा हाथ लगती है और उससे जो आप परेशान होते फिरते हैं, आपको लगता है कि अब मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मानसिक तौर पर भी आप परेशान हो जाते हैं, तो इस परेशानी को अब आप दूर कर दीजिए, आयुर्वेद को अपनाएं। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। पैरालिसिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, पैरालिसिस का भी इलाज है, आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं लक्षणों की बात करूँ अगर महाराज जी, तो कोई लक्षण होते हैं पैरालिसिस के कि हम जान सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले टाइम में मुझे पैरालिसिस हो जाए, या जो कुछ भी मेरे साथ अभी घट रहा है वो पैरालिसिस के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, बारिश से पहले बादल गरजते ही है, है ना, नेचुरलिटी है ये। और अगर हम ना समझ सके तो हमारी बात अलग है। प्राकृतिक नियम ऐसे है कि ये तो आप बीमारी की बात कर रहे हैं, पूर्व क्या होने वाला है ये भी आपको आभास हो जाता है। जैसे आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, आप एक एंकर हैं, लेकिन आप शूट पे आते हैं, तो शूट पे जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अब मेरा आज कितने कट लगेंगे और कितना टाइम वेस्ट जाएगा, क्योंकि उसके लक्षण होते हैं। तो प्राकृतिक व्यवस्था है ये, सिम्टम्स हर चीज़ के होते हैं। सामने वाला व्यक्ति, जैसे साइको एक सब्जेक्ट है, मैंने तो साइको से एजुकेशन भी किया हुआ है, तो जैसे हेलो बोलते हैं ना आप, हेलो, इसमें आपकी पूरी बैक हिस्ट्री और आने वाले दिन भी आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको, देखिए मैं ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की तरफ फ्लश नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम, मेरा प्रोजेक्ट बोझना कम है, जन कल्याण करना ज़्यादा है। मैं बार बार मेरा ये प्रोजेक्ट लो, ये लो, ये लो, भाई दही ले लो, दही बेचने की जरूरत नहीं है। अगर सत्य है तो लोग आएंगे, अपने आप होगा। स्लो स्पीड बेटर स्पीड एंड साइलेंस इज गोल्ड। देखिए, हम आपको ये कहना चाहेंगे श्रद्धा जी, इस दुनिया में जैसे हमारी लाइफ का एक स्लोगन है कि माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। बट नो डाउट, हर आदमी का लगभग यही है। हर आदमी का लाइफ इन्वेस्ट ही तो है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट छने के बाद में जो बेनिफिट हो उतने दिन है जब तक वो जिंदा है। लेकिन हम जो करना चाहते हैं कि भाई मेरे ना रहने पर लोग एक स्मरण करें कि भाई कोई लोग मुझे देख कर इस आचरण पर चले, तो लक्षण आपको मिलते हैं, नो डाउट। जैसे आपका स्पाइन कोड में है प्रॉब्लम, तो कई बार आप जब सोएंगे तो हाथ पैर के जो फिंगर्स में सुनपन आने लगा है, धीरे धीरे जाने लगे, गाड़ी चलाते हैं तो प्रीकिंग पेन होने लगेगा, एकदम से झटका सा लगता है ना, प्रीकिंग पेन बोलेंगे उसको। फिर उसके बाद ट्रिब्रेटिंग होने लगेगा, तरह तरह के पेन्स आते हैं, तो हम उसको क्या समझ लाइटली लेते हैं, अरे यार ऐसे ज्यादा देर एक मोमेंट में गाड़ी पकड़ रखी ना, इसलिए ऐसा हो गया, बिल्कुल सही। फिर हम, अरे यार डिप्रेशन में, तो इसलिए बैक साइड में पेन होने लगा, तो इसको कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। शरीर की छोटी बीमारी ही बड़ी बीमारियों का न्योता है, जैसे एक तिनका ही काफी है ना किसी के आसियां बसाने के लिए, एक दिन का काफ़ी है किसी का आशा बसाने के लिए, और एक चिनगी काफ़ी है चमन को जलाने के लिए। ऐसे एक छोटी सी बीमारी जब शुरू होती है तो कह सकते हैं कि एक दोस्त मिला, साथ में 100 दुश्मन गिफ्ट में मिल गए। तो एक छोटी बीमारी आपके पास आई तो सबको अपने आप लेकर चली आएगी, इसलिए बहुत चीज़ों को ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब सिम्टम्स जो हैं सब वो आते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि ये सिम्टम्स क्या हैं। लेकिन जो आपने सिम्टम्स बताए, कभी एकदम से हाथ में झनझनाहट होनी, या सुनापन पड़ जाना, सुनपन होना, सुबह कोई चीजें स्मरण रहित हो जाना, भूल जाएंगे कि कहाँ क्या रखा। अच्छा, ये भी एक लक्षण हो सकता है पैरालिसिस का, कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं महाराज जी, हमें याद ही नहीं आता कि उस दिन क्या हुआ था या ये चीज़ मैंने कहाँ रखी, बहुत कोशिश कर लेते हैं, तो क्या ये भी एक सिम्टम है क्या? नहीं, वो जो आप बताना चाह रहे हैं वो भी है, ऐसे ऐसे वो सिज़ोफ्रेनिया एलन सिम्टम्स है, और जिसके समझने वाले मेरे हिसाब से वर्ल्ड में 2% लोग हैं जी, समझे। तो मैं, जैसे आपने कोई चीज़ रखी और भूल गए, तो सुपर कॉन्शियस ब्रेन,
वो हो गया कि जैसे आपने अभी हम बैठे हैं आपके सामने, आपने पूछ लिया कि भाई स्वामी जी ठीक है ये तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कल रात में आप भागवत कर रहे थे उसमें क्या श्लोक था? तो मैं सीधे कहूंगा भाई काल व्याल ग्रासाय त्रेत्राप विनाशनम, काल व्याल ग्रासाय त्रेत्राप विनाशनम, ये सुपर कॉन्शियस ब्रेन हो गया क्योंकि हमने इसको जनरेट किया है ना। जैसे राम कृष्ण की बात करें तो आपके ब्रेन में भी 150 बीटा सेल्स है और मुझ में भी है, वही वेन देश के राष्ट्रपति में है, वही संत सब में है। तो डिपेंड करता है हमने इसको किस तरीके से यूज किया है हमारा ब्रेन लार्वा। तो आप इसको हैंग कर देंगे जब तो ये गति करने लगेंगे, इसलिए इसको मेंटली थोड़ा रिलैक्स की जरूरत है। इट इज पार्ट ऑल्सो योर बॉडी। ये है क्या, ये एक तकनीकी है ना, आप कंप्यूटर पे ज्यादा सॉफ्टवेयर करो तो हैंग होने लगते हैं जिसकी उसकी लिमिट है। तो इस तरीके से सीक्वेंसेस को हम जरूरत से ज्यादा, हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, सुबह आप उठ रहे हो जी, सुबह उठ करके जल्दी जल्दी कर लो जाना है, आप कुकर में चाय भी बना रहे हो लेकिन आपके सामने लग रहा है शेट, हाँ यार शूट करना है मेरे को जल्दी जाना। आप घर में से निकल लो तैयार हो के, तुम्हें यार यहाँ ट्रैफिक होगी मैं तो फंस जाऊँगी, यहाँ सिग्नल पे फटक जाऊँगी, काम कर लिया शाम को आए खाना बनाने के बाद सोए तो भी आप इसको काम ही दे रहे हो। मतलब जब तक आपको गहरी नींद नहीं आती तब तक आप सोचते ही रहते हो। तो इसके लिए ब्रेन के लिए ना जैसे आयरन से है, अंजीर का सेवन करिए आप, या आयुर्वेद में ब्राह्मी है, आप जो दर्शक भी लिखना चाहें लिख ले मैं बता दे रहा हूँ, ब्राह्मी 50 ग्राम, मंजिष्ठा, ज्येष्ठमद, भृंगराज, चिरायता समान मात्रा में ले लें, और साथ में सालम पंजा एक वनस्पति आती है थोड़ी कॉस्टली है, अगर उसका सेवन सुबह शाम एक एक चम्मच करते हैं तो नो डाउट जैसे कि वैसे हो जाएंगे, मतलब जो ब्रेन हमारा जो है वो स्ट्रांग रहेगा और ब्रेन लार्वा ज्यादा इंप्रूव। और आपने जैसा कि बताया कि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, मगर हम एक बार में 3-4 काम कर रहे होते हैं कि चाय चढ़ा दी तब तक ये कर लेती हूँ, तब तक ये भी कर लेती हूँ, फटाफट फटाफट हो जाए, डिवाइड कर देते हैं। हाँ, हम एक बार में 3-4 काम कर रहे होते हैं कि चलो चाय बनाने मैंने रख दी तो तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ या ये काम कर लेती हूँ या और भी बहुत से काम, और उसकी वजह से हमारा जो चित्त है वो शांत नहीं हो पाता है और हम हर समय सोचते रहते हैं। चित्त और चरित्र, ये दोनों चीजें, चित्त और चरित्र ये दोनों एक दूसरे से पूरक है जी। अगर आपकी चित्त सात्विक है और आपका चरित्र की तरफ वही संकेत करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई ये चीज नहीं छूना हमको क्योंकि मेरा मन शांत है, लेकिन अगर वो दूसरी तरफ है तभी आप छूएंगे तो अट्रैक्ट होंगे। चित्त का जो व्यवस्था है चिंतन से लागू करते हैं जी। अगर हम चिंतन करेंगे कि भाई तो हमने ये दूध लिया तो इससे हमें क्या मिला, हमारे लाइफ में एक छोटा सा बात कहूँगा ये इस चैप्टर से एंड के, कि मानव को नित्य अपने दिन भर के किए हुए कार्यों पर 20 मिनट समीक्षा करनी चाहिए कि मैंने आज पूरे दिन में क्या कृत किया, शारीरिक और मानसिक, इन दोनों कृत के बाद मुझे कहाँ सम्मान मिला, कहाँ अपमान मिला, किससे मैं हर्ट हुआ और मैंने किसको हर्ट किया। तो आप उसमें ये सोचेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। कि यार टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, मैं कहाँ रांग हूँ। तो जब आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आप सामने वालों को कष्ट नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके से हमें सुबह से शाम तक की दिनचर्या पे अनुभव करें। हम लोग रिसर्च कैसे करते हैं, हम रिसर्च कैसे करते हैं, हम कोई वहाँ से आकाश मार्ग से लेके नहीं, हमने देखा कि भाई आज मैंने बैगन खा लिया है तो बैगन खाने के बाद पेट फूल गया, हमें गैस बनने लगा, बात हो गया, शरीर में खुजली आने लगी। और अगर ऐसी प्रक्रिया होती तो नो डाउट मुझे बैगन नहीं खाना चाहिए दोबारा। हाँ। सुबह आप उठते हैं अगर एक गिलास आप जूस पीकर आ रहे हैं, आपको पूरा दिन फ्री है, एक्साइटमेंट आपके अंदर बना हुआ है, चुस्त और फुर्त है, तो आपको वही करना चाहिए। ऐसे आहार क्या किया, विहार क्या किया, कहाँ बैठे, किसके साथ रहे, वो सब चीज़ों पर समीक्षा भी बहुत आवश्यक है हमारे जीवन जीने के लिए। बिल्कुल, मतलब हमने दिन भर में क्या किया उसके बारे में सोचना, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है, और जिससे हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब हमें अगले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस चीज़ के हमें नेगेटिव साइड नेगेटिव थी, कौन सी चीज़ें हमारे लिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव थी, ये सारी चीज़ें हमारे सामने। उसके लिए है कि वर्क योर टेरिटरी करेक्टली स्टेप बाय स्टेप, बट टेक कंट्रोल इज मोस्ट योर वर्डिंग ड्रेसिंग एंड टोटल बिहेवियर। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा विषय था आज का पैरालिसिस, पैरालिसिस का इलाज है बिल्कुल है आयुर्वेद में, लेकिन एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ आप इसको अपनाएं, ज़रूर जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात और फिर से जानेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से और कौन सी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ भी रख सकते हैं। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार।
नेक्स्ट क्या है?